शिक्षा मित्र से जुड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और साथ में दबाइए इस बेल आइकन को भी, और हमारी वेबसाइट पर विजिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे लिंक पर क्लिक कीजिए और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट को, जिस पर मिलेंगे आपको सारी जानकारी लिखित में और सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर सकेंगे और उनका यूज कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा में समाचार में। फिर से एक बार दोस्तों मैं लेके आऊँगा आज आपके लिए फिर से शिक्षा में से जुड़ी हुई 10 खबरें। इन 10 खबरों को लास्ट तक देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और साथ में के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दबाए बेल आइकन को भी, ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके सबसे पहले। शिक्षा में से जुड़ी खबरों को देखने के लिए डेली मैं अपडेट आपको देता रहूँगा, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए आप इसके शुरू करते हैं समाचार। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी, जिन्होंने संसद में शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाया था, शिक्षा मित्र की जो दयनीय स्थिति हुई 25 जुलाई को उमा देवी जी ने सामूहिक मुंडन कराया, महिलाओं ने सामूहिक मुंडन कराया, वो देखकर अच्छे अच्छों के दिल में पीड़ा उत्पन्न हुई है, तो उसी को लेकर माननीय संजय जी सिंह जी ने संसद में मुद्दा उठाया था। और आज 28 जुलाई को माननीय सांसद संजय सिंह जी शिक्षा मित्रों के समर्थन के लिए लखनऊ पहुंच रहे हैं। 11 बजे वो लखनऊ में पहुंचेंगे और शिक्षा मित्रों के धरने में समर्थन करेंगे। तो शिक्षा मित्र समाज और उनका बहुत आभारी है और उनका धन्यवाद प्रेषित करता है विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने शिक्षा मित्र के मुद्दे को संसद में इतनी अच्छी तरीके से उठाया और अब उनसे मिलने के लिए शिक्षा मित्र संगठन में धरने में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंच रहे हैं। दोस्तों दूसरी खबर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक काफ़ी अफवाह चल रही है कि कमेटी की एक बैठक हो चुकी है और जिसमें शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की सहमति बन रही है, लेकिन ये मानदेय शिक्षा मित्रों की अलग अलग कैटेगरी बना के किया जाए, यानी एक एक 24 की सूचना मांगी है, तो किसी ने टेट पास शिक्षा मित्र की सूचना बताई है तो किसी ने अब से शिक्षा मित्रों की बताई है। इन 3-3 कैटेगरी में बांट कर इनका मानदेय अलग अलग स्तर का बनाने की बात सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन जितेंद्र शाही जी ने इस अफवाह को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये गलत है, ऐसी कोई भी बैठक नहीं हुई है और ना ही 29 जुलाई तक ऐसी कोई बैठक होने की संभावना है, क्योंकि 29 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का आगमन है लखनऊ में, तो उससे पहले ऐसी कोई भी बैठक होना मुमकिन नहीं लग रहा है। सभी व्यस्त हैं और ऐसी व्यवस्था में मीटिंग होना संभव नहीं है, तो ऐसी अफवाहों से बचें, शिक्षा मित्रों को आपस में ना बांटें, मानदेय सभी का बढ़ेगा तो एक साथ बढ़ेगा, नहीं तो जितेंद्र शाही जी का कहना है कि हम वेतन मान दिला के रहेंगे। चलिए अगली खबर, हम जानते हैं कि अलीगढ़ जिले में आज 28 जुलाई को अवकाश घोषित कर दिया है 1 से 8 तक के सभी स्कूलों का, और 12वीं तक के स्कूलों की भी छुट्टी है, लेकिन परिषदीय स्कूल के जो अध्यापक हैं उनको विद्यालय जाना पड़ेगा। यहाँ इस आदेश में सिर्फ बच्चों की छुट्टी की गई है, अध्यापकों को विद्यालय पहुंचकर विभागीय कार्यों को संपन्न करना होगा, जो भी स्कूल के कार्य रह जाते हैं उनको करना है। तो इस मामले को लेकर अध्यापकों में थोड़ा रोष भी है कि बरसात में बच्चों की छुट्टी होती है, अध्यापक बारिश में कैसे विद्यालय जाएंगे, लेकिन उनका स्पष्ट आदेश है कि अध्यापकों को विद्यालय जाना है। शिक्षा में समाचार में चौथी खबर में आपको बताना चाहूँगा कि अलीगढ़ जिले से शिक्षा मित्र संगठित होकर उमा देवी जी के धरने में शामिल होने के लिए लखनऊ जाने के लिए योजना बना रहे हैं और उसके लिए आज एक मीटिंग भी रखी है अलीगढ़ जिले पर। 2 बजे BSA कार्यालय पर उन्होंने मीटिंग रखी है, वहाँ पर संगठित होकर अलग अलग संगठन के भी उसमें पदाधिकारी आ सकते हैं, आम शिक्षा मित्र भी आ सकते हैं और एक रणनीति बना सकते हैं लखनऊ जाने के लिए। लेकिन ऋषि पाल सिंह जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आपकी इस रणनीति की, आपकी इस योजना की भनक प्रशासन को लग चुकी है, BSA कार्यालय को भी लग चुकी है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर पूछा कि आखिर शिक्षा मित्र की क्या रणनीति आगे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शिक्षा मित्र अपने मान सम्मान बचाने के लिए जो करेगा वो करके रहेगा, चाहे उनको लिए लखनऊ जाना पड़े या को। तो उन्होंने ये सिर्फ एक सूचना दी है कि अगर आपको लखनऊ जाना है, संगठित होकर लखनऊ जाना है, तो आप प्राइवेट किसी वाहन से ना जाएं और
क्योंकि वाहन को रोका जा सकता है, पुलिस के द्वारा रोका जा सकता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है तो इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की जा सकती है और शिक्षा मित्रों को लखनऊ में इकट्ठा होने से रोका जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप रेल के द्वारा लखनऊ जा सकते हैं, अगर जो शिक्षा मित्र लखनऊ जाना चाहते हैं वो रेल के द्वारा जा सकते हैं। इसी संबंध में मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि त्रिभुवन सिंह जी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये खबर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हमें मिली है, लेकिन इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है। फ़ोटो तो है, फ़ोटो उन्होंने भेजे हैं, मैं नीचे वेबसाइट जो लिंक दे रखा है उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन आपको ये बता दें कि इसमें ये थाना नवड़गंज कानपुर नगर का बताया है कि उन्होंने वहाँ पर पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है, लेकिन कारण कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है और कितने समय के लिए किया है ये भी स्पष्ट नहीं है। तो हो सकता है कि जनरली पूछताछ के लिए उनको कुछ देर के लिए थाने में बिठा लिया हो, इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनको पूरी तरह से गिरफ्तार कर लिया है। केवल जनरली पूछताछ के लिए हो सकता है त्रिभुवन जी को वहाँ पर थाने में बैठा लिया हो। थाना नवड़गंज कानपुर नगर से ये खबर आई है। शिक्षा में समाचार में छठी खबर में आपको बताना चाहूँगा कि यूपी टेट 2017 के केस की सुनवाई, जिसको आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था, रिजवान अंसारी की टीम की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को गंभीरता से सुना है। इसका प्रमाण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस दाखिल करने के लिए कहा है। उन्होंने नोटिस भेजा है कि आप अपना जवाब दें कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। याचियों का कहना है कि 14 प्रश्न गलत हैं, जबकि आपकी कमेटी ने केवल 3 प्रश्नों को गलत बताकर उत्तरमाला जारी कर दी है। पहले सिंगल बेंच में केस चला, फिर डबल बेंच में केस चला, डबल बेंच में बनी कमेटी ने ये फाइनल केस किया। उसके बाद कमेटी के फाइनल केस के बाद भी जब रिजवान अंसारी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो उनका कहना है कि 14 क्वेश्चन गलत हैं, 4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं, लेकिन कमेटी ने कुछ भी नहीं माना है। उन्होंने 3 प्रश्न का ही बस संशोधित करके अतिरिक्त अंक दिए हैं। तो देखते हैं सरकार इसमें क्या जवाब दाखिल करती है और रिजवान अंसारी के केस में क्या होता है। अगली खबर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय की 30 सितंबर 2017 की छात्र संख्या के आधार पर अब सहायक अध्यापकों के समायोजन या स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होगी, क्योंकि ये शासनादेश 20 जुलाई को आया था, जिसमें शिक्षा मित्रों के साथ साथ सहायक अध्यापकों का भी स्थानांतरण और समायोजन होना था। तो इस स्थानांतरण समायोजन के लिए स्कूल वाइज छात्र संख्या का विवरण शासन ने मांगा है और ये छात्र संख्या 30 सितंबर 2017 की छात्र संख्या के आधार पर समायोजन होगा और ये सूचना 28 जुलाई तक मुख्यालय में भेजना अनिवार्य कर दिया गया है। तो देखते हैं कि अब इस छात्र संख्या के आधार पर कितने अध्यापक इधर से उधर जाते हैं, और क्योंकि शिक्षा मित्री मूल विद्यालय पर लौट रहे हैं तो ये छात्र संख्या मांगने का उनका उद्देश्य भी हो सकता है कि जब एक विद्यालय में शिक्षा मित्र वहाँ पर अपने पहुँचेगा तो उस अध्यापक को वहाँ से हटाकर कौन से विद्यालय में भेजना है। इसके लिए शासन के शासन ने मांगी है, शासन पूरी तरीके से शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय भेजने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। शिक्षा मित्र से संबंधित 8वीं खबर में आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा मित्रों के साथ धरने में एडवा की महिलाएं भी शामिल हो गई हैं। जी हाँ, बताएं, एडवा का मतलब अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने भी समर्थन दे दिया है, उमा देवी जी को समर्थन दे दिया है महिला संगठन ने, जिसका नाम है अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति। उन्होंने उमा देवी जी की जो कार्य उन्होंने किया उसके लिए वो सराहना करती हैं और कहती हैं कि आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है और हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एडवा की अध्यक्ष मधु गर्ग ने ये कहा है कि हम शिक्षा मित्रों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और जब तक आपका आंदोलन चलेगा हमारा समर्थन आपके साथ रहेगा। उन्होंने अपना समर्थन पत्र भी उमा देवी जी को लिख कर दिया है। एडवा की जिला सचिव सीमा राणा जी अपने कार्यकर्तियों के साथ वहां मौजूद रहीं और उन्होंने कहा कि आपका 17 वर्ष का अनुभव व्यर्थ नहीं जाएगा और ये बड़े बहुत ही दुख की बात है कि 17 वर्ष के अनुभव को दरकिनार करते हुए भारत का उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय योग्यता को महत्व देता है और
अनुभव को महत्व नहीं देता है और शिक्षा में था जिस अवस्था में है। तो उन्होंने इसकी बुक को निंदा की है, अनुभव को नकारने की उन्होंने निंदा की है और उन्होंने लखनऊ में ही धरने में बैठने की सहमति दिखाई कि हम समर्थन देते हैं, हम आपके साथ हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि उमा देवी जी को समर्थन मिला है महिला संगठन का। अब शिक्षा में से जुड़ी नौवीं खबर मैं आपको बता दूं, कोर्ट अपडेट है ये। हाई कोर्ट में 20वां और 22वां संशोधन बेसिक शिक्षा नियमावली में जो हुआ है उसको अल्ट्रा वायरस सिद्ध करने के लिए जो याचिका डाली गई थी उसकी सुनवाई की डेट 3 अगस्त लग गई है। 3 अगस्त इस ये डेट लगी है और 3 अगस्त को सुनवाई होगी इस पूरी के पूरे 20वें और 22वें संशोधन को खारिज करने का। अगर ये 20वां और 22वां संशोधन खारिज होता है तो आप समझ सकते हैं कि पूरी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो थी निरस्त हो जाएगी और शिक्षकों का जो चयन प्रक्रिया है वो पूर्व की भांति मेरिट के आधार पर हो जाएगी। तो देखते हैं कि इसमें क्या समाधान निकलता है, क्या हल निकलता है, कोर्ट इसमें क्या फैसला देती है। वैसे केस काफ़ी लेट हो चुका है लेकिन देखते हैं कि 3 अगस्त को इसमें क्या सुनवाई होती है। और आखिरी और अंतिम 10वीं खबर मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ हटाने संबंधित जो हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है उसकी भी डेट निश्चित हो गई है। 31 जुलाई इस केस की डेट लगी है, 31 जुलाई को इस केस की सुनवाई होगी। जो लिखित परीक्षा हुई, शिक्षक भर्ती परीक्षा लिखित में जो हुई थी उसी की कट ऑफ हटाने के लिए बात कही गई है और इस कट ऑफ को ख़त्म करने के लिए हाई कोर्ट में केस की सुनवाई होगी और इसकी पैरवी करेंगे हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे जी और सीमा सर जी, दोनों ही वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इनसे उम्मीद है कि ये लिखित परीक्षा की कट ऑफ हटा देंगे। जहाँ तक कि हाई कोर्ट का ही ऑर्डर है कि आप 45% कट ऑफ रखिए पूर्व शासनादेश के अनुसार। तो देखिए हाई कोर्ट में दोनों ही केस हैं, इसी से संबंधित हैं। क्या होता है दोनों अटैच होते हैं या फिर क्या निर्णय निकलता है, एक निर्णय दूसरे निर्णय के बिल्कुल विरुद्ध होगा। तो ये थे आज के शिक्षा में समाचार जो मैंने आपको आज दिए और मैंने एक वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस वेबसाइट पर जाके आप शिक्षा में से जुड़ी उन खबरों को भी पढ़ सकते हैं जिनको मैं वीडियो में नहीं बता पाता हूँ। तो उस लिंक पर जाइए और वेबसाइट को विजिट कीजिए। और इसी के साथ आज के समाचार यहीं ख़त्म होते हैं। मैं हूँ गोपाल, आपका साथी। नमस्कार।